हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मंडी। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूं रिसर्च एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और आप जो डिसर्टेशन बोलते हो उसके बारे में। पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट टू डिसर्टेशन कि डिसर्टेशन क्या होता है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि रिसर्च थीसिस सबमिट करने होते हैं, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट बनाने होते हैं या फिर डिसर्टेशन होते हैं। तीनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है, बट बेस्ड ऑन योर जो भी आपका कोर्स होता है, कोर्स के अंदर फाइनल ईयर में जो आपको डिसाइड करके देते हैं उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि रिसर्च और डिसर्टेशन किस तरह से आपको करना रहता है और इसके लिए आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। तो डिसर्टेशन ऐसा होता है कि जब भी आप कोई भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में आते हैं तो उनको एक डिसर्टेशन दिया जाता है जिसके अंदर उनको एक टाइटल सबमिट करना पड़ता है, यानी कि यू हैव टू सिलेक्ट वन टॉपिक। वो टॉपिक आपको आपके जो भी स्टडी कोर्स होते हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग के हो, फिर HRM हो यानी HR रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज से हो, या फिर IT बैकग्राउंड से हो, या बिजनेस मैनेजमेंट से हो, तो जो भी आपका कोर्सेज होता है उसके हिसाब से आपको टाइटल सबमिट करवाना रहता है आपके ट्यूटर को बेस्ड ऑन योर रिसर्च। तो वो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ती है कि आपको जो भी टाइटल है या टॉपिक है वो पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लेना है या कंपनी के ऊपर लेना है या कोई एरिया के ऊपर लेना है, उसके बेस पे आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो आपका टाइटल। जब आपका टाइटल सिलेक्ट होता है तब उसके बाद आपको आपके ट्यूटर या गाइड को टाइटल सबमिट करना रहता है पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। जैसे आपका टाइटल वहाँ से अप्रूव हो जाता है, आपके ट्यूटर या गाइड आपके अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आपको आपका डिसर्टेशन स्टार्ट करने का सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, आपकी डेफिनेशन हो गई है सिलेक्ट और आप आगे इसके ऊपर आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे डिसर्टेशन आपका टाइटल हो गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज आता है कि आपका पार्ट है रिसर्च करना कि आपने जो टाइटल लिया उसके हिसाब से आपको किस तरह का मटेरियल लेना है, कौन से रिसर्च पेपर पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बाद गूगल स्कॉलर का यूज़ करके उसके अंदर से काफ़ी पेपर को पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर से काफ़ी डिटेल को लेना पड़ेगा ताकि वहाँ से आपको आइडिया मिल जाए कि आपको अब आपके डिसर्टेशन में आगे क्या करना है। तो ये डिटेल आ गई आपकी इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद आपको ये डिटेल्स आपके पास कलेक्ट हो जाती है, आपने रिसर्च कर लिया होता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है आपका एम और ऑब्जेक्टिव। एम और ऑब्जेक्टिव में आपको एक एम लिखना पड़ता है जो आपने टॉपिक या टाइटल सबमिट करवाया उसके ऊपर एम और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख के आपके ट्यूटर या गाइड को सबमिट करना पड़ता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो ये सबमिट होने के बाद वो लोग चेक करते हैं और अप्रूवल आपको मिलता है कि हाँ, आपका जो भी एम और ऑब्जेक्टिव है वो हमारे हिसाब से और आपके टॉपिक के हिसाब से प्रॉपर सही चैनल में आपने बनाया है, तो आप उसको लेके अब आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। जैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो अब आपका अगेन रोल आता है कि आपको अब इस यहाँ से दो चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है, दो में से एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है कि डिसर्टेशन हमेशा दो तरीके से होता है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी डेटा। ये दोनों डेटा में से आपको कौन से डेटा को लेके जाना है। जैसे आप प्राइमरी सिलेक्ट करते हो तो प्राइमरी डेटा जब आप यूज़ करते हो तब आपको कोई भी कंपनीज या जो आपका टाइटल या टॉपिक या एरिया है वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना रहेगा, उनके साथ ईमेल कन्वर्जेशन करना रहेगा, उनके पास से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म क्वेश्चनरीज बनानी पड़ेगी, ईमेलिंग कन्वर्जेशन करना पड़ेगा और काफ़ी डिटेल्स आपको जो भी आपके प्राइमरी डेटा के लिए चाहिए होती वो सारी डेटा कलेक्शन की मेथड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जब सेकेंडरी आप लेते हो तो सेकेंडरी डेटा के लिए आपको आपके जो रिसर्च में आपको जितने पेपर्स मिले प्रीवियस ईयर के या फिर आपका जो एरिया है, आपकी जो कंपनीज है, उन लोगों ने लास्ट ईयर में जो भी डेटा होता है वो गूगल के ऊपर या स्कॉलर के ऊपर अपलोड किया होता है या फिर उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं एवरी ईयर के, वो रिपोर्ट्स के हिसाब से आप डेटा देखोगे पढ़ोगे और वो आप यूज़ करोगे, वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दोनों कलेक्शन किस तरह से करना है और आप दोनों में से कौन से टॉपिक को लेके आगे जाने वाले हो, ये यहाँ से आपका सिलेक्ट हो जाता है। जब
जब आप प्राइमरी सिलेक्ट करते हो तब आपको कॉलेज में से एथिकल फॉर्म भराते हैं। ये एथिकल फॉर्म इसलिए होता है कि जब प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करते हो तो कंपनीज में आप उनको मेल करते हो, कंपनी में काफ़ी लोगों की डिटेल्स होती है, जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो कलेक्ट करने के लिए आगे जाके इन फ्यूचर कुछ कंपनी के साइड से या कॉलेज साइड से या स्टूडेंट साइड से इश्यू ना आए उसके लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी एथिकल फॉर्म भराती है जो स्टूडेंट को भरना पड़ता है। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते जिसको पढ़ के स्टूडेंट एथिकल फॉर्म भरते हैं और कॉलेज उसको अप्रूवल देती है। उसके बाद जब आपका सेकेंडरी डेटा होता है उसके अंदर आपको कोई एथिकल फॉर्म भरना नहीं होता, वो आप नेट पर से या फिर कंपनी के प्रीवियस रिपोर्ट से, एज मैंने अभी बताया आपको, ऐसे रिपोर्ट से आप डेटा ले सकते हो। तो ये दोनों हो गया आपका डेटा कलेक्शन का। अब उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये दोनों भी आपके डिसर्टेशन के नेक्स्ट पार्ट होते हैं। जैसे आपका डेटा कलेक्शन का और एथिकल प्राइमरी वगैरह हो जाते हैं उसके बाद, ये दोनों के बाद आपका आगे चलता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू बना दिया है प्रीवियस पेपर्स या आपका जो भी रिसर्च डेटा कलेक्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन लेके, उसके बाद मेथोडोलॉजी आपने लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका उसमें जो डेटा लिया है डेटा के ऊपर कौन से टूल के ऊपर आप मेथड को यूज़ करने वाले हो, डेटा किस टाइप की, कौन से मेथड के अंदर आपको उसको यूज़ करना है, आपके रिपोर्ट में किस तरह से उसको लिखना है, उसका कौन सा एनालिसिस करना है, कौन से टूल से आप डेटा की इंफॉर्मेशन को ये जिस आपके जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर आप डाल रहे हो। उसके बाद आपका आता है रिजल्ट्स के आपने जो भी पूरे फ्लो में जो काम किया है उसमें आपने क्या परफॉर्म किया, बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट उनके ग्राफ उनके चार्ट्स उनके नंबर वो सब आपको ऐड करने रहते हैं। जैसे ही ऐड हो जाता है उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है कि आपने ओवरऑल दी डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट उसमें क्या कंक्लूड किया है। और जब आपका कंक्लूजन हो जाता है उसके बाद आपने पूरा डिसर्टेशन आपका जो फेज होता है वो फेज के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपने जहाँ से भी ली है वो सारी डिटेल के रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं कि मैंने एक्स वाई जी कंपनी का या फिर कोई पर्सन का रिपोर्ट पढ़ के या फिर उनका रिसर्च पेपर पढ़ के उनमें से डिटेल को यूज़ किया है। तो उसको आपको आपके डिसर्टेशन में साइटेशन देना पड़ेगा और एज वेल एज रेफरेंस भी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पूरा डिसर्टेशन फ्लो बनता है स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो यहाँ पे ये वीडियो में मैंने आपको पूरा डिसर्टेशन के बारे में बताया कि डिसर्टेशन क्या होता है, और जो भी बाहर स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है, उनको वही समझ में नहीं आता है कि डिसर्टेशन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि प्राइमरी में किस तरह से हमें डेटा कलेक्शन करना रहता है और सेकेंडरी में किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है। सो ये मेन मेथोडोलॉजी और प्रोसेस होता है जब आप डिसर्टेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका कॉलेज में डिसर्टेशन पार्ट आता है, तब ये दोनों चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एथिकल फॉर्म क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये इतनी डिटेल्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी जब आप टाइटल आपके सबमिट करवा के आपका थीसिस लिखना स्टार्ट करते हो। तो पूरे डिसर्टेशन में ये मेन चीज़ होती है डेटा कलेक्शन, ये आपको पता होगा तो आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं हूँ मयूरी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।